यूपी के मेरठ में शनिवार यानी 14 सितंबर की शाम 3 मंजिला मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 5 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अब 4 लोग मलबे में दबे हैं, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगी है। 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को तलाशने के लिए स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। सकरी गली होने से बुलडोजर नहीं आ पा रहा है, रुक रुक कर बारिश हो रही थी, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिंगल पिलर पर 3 मंजिला का घर खड़ा था, जो लगभग 50 साल पुराना था। पिलर कमजोर होने की वजह से हादसा हुआ है। एडीजी डीके ठाकुर ने बताया कि घर में 90 साल की नफीसा अपने 4 बेटों के साथ परिवार के साथ रहती थी, ग्राउंड फ्लोर पर डेयरी चलाती थी। इस हादसे में कई भैंसे भी मलबे में दब गई है। जी देखिए, यहाँ जाकिर कॉलोनी में एक G+2 करके घर था, 2 मंजिल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और इसमें जो 14 जो बताया गया फैमिली की तरफ से कि 14 लोग थे, 3 लोग शुरू में ही निकल गए और बाकी के जो 11 लोग थे उनमें से 5 लोग निकाले जा चुके हैं और बाकी के अभी 6 लोग अंदर हैं, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों अमरोहा से भी सहारनपुर से भी यहाँ पे कार्यरत है और पर्याप्त पुलिस बल और मशीनरी डिप्लॉय की गई है। जो हमारे 5 और 3 पहले 8 लोग रेस्क्यू हुए हैं उनमें से 3 लोग की डेथ हुई है और बाकी लोग अभी ठीक हैं, और इसके अलावा बाकी 6 काम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए। तो अभी प्रायोरिटी यही है रेस्क्यू ऑपरेशन और बाकी मेडिकल कॉलेज और सारी फैसिलिटीज को अलर्ट किया गया है कि उपचार तुरंत और जो भी जरूरत है उसके हिसाब से। ये जो बिल्डिंग जो लोहिया नगर थाने में जाकिर कॉलोनी में थी, 3 मंजिला बिल्डिंग, इसी की सूचना मिली थी। उसके बाद जब पुलिस प्रशासन के लोग आए थे तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन कार्य शुरू किया गया था, तो 3 लोग तो सकुशल निकाल लिए गए थे। उन्हीं से पता चला था कि 8 लोग अंदर और दबे हुए हैं, उस 8 में से 4 को निकाल लिया गया, हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो और दिख रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, फिर शेष और दो निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो ये थी मेरठ में हुए हादसे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।